क्या कर रहा है? मेरा वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इससे वेट कम कैसे होगा? मेरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, ये करने से फास्ट हो जाएगा और मैं पतला हो जाऊँ। क्या मेटाबॉलिज्म नहीं पता? मेटाबॉलिज्म? हाँ वही तो बोला मैंने, मेटाबॉलिज्म। वो छोड़, उमंग का बर्थडे आ रहा है, सोच रही थी उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखे घर पे। हाँ अच्छी आइडिया है। ठीक है सब तैयारी करना शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? ट्यूबलाइट बदल रहा हूँ। ओहो सार्कैज़म। अच्छा क्या सोचा है तेरे बर्थडे के लिए? कुछ नहीं, घर पे ही रहूंगा शायद। तेरे कोई दोस्तों के साथ तो प्लान नहीं है ना? नहीं नहीं इस बार कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने का। अच्छा मेरा एक काम था वो दिन, मेरे साथ चलेगा क्या? 2 घंटे में वापस घर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। फिर घर पे ही आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। देख हाँ घर पे ही आएंगे और किधर नहीं जाएंगे। अरे हाँ मैं समझ गया, आपके 2 घंटे का काम है फिर वापस घर पे ही आएंगे। हाँ वेरी गुड, कुछ और प्लान नहीं बनाना, घर पे ही आना है वापस। अभी तो तेरा पेंटिंग कर। अभी ये क्या खा रहा है? मैंने किट्टू डाइट चालू किया है। किट्टू डाइट? वो आजकल फैशन में, उससे आदमी जल्दी पतला होता है। अच्छा अभी एक किट्टू को छोड़, उमंग को बर्थडे के दिन मैं 2 घंटे के लिए बाहर लेके जाऊंगी, तब तक सब डेकोरेशन करके रखना घर पे। ठीक है मैं सब डेकोरेशन का सामान लेके आऊंगा। उसके सब दोस्तों को मैं इनवाइट कर रही हूँ, पर प्लीज उमंग को मत बोलना। मैं क्यों बोलूँगा, मेरे को मालूम है सरप्राइज देना है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? पापा बोल रहा था किट्टू डाइट के रिजल्ट सरप्राइजिंग होते। ये ऑरेंज क्या है? फिश है। अच्छा तेरे दोस्त राहुल का नंबर देना। क्यों? उसके मम्मी से बात करनी है। तो उसके मम्मी का नंबर देता हूँ ना आपको। नहीं उसके मम्मी का नंबर उससे ही लूंगी। अच्छा लिखो 98। उसके पास तेरे बाकी दोस्तों के भी नंबर रहेंगे ना? हाँ क्यों? उन सब की मम्मी से भी बात करनी है। खाने पीने का क्या? मेरे को किट्टू डाइट वाला खाना चाहिए। अरे वो बाद में देखते, इसके सामने ये सब बात नहीं कर सकते। किसके बारे में बात कर रहे हो? सरप्राइज पार्टी के बारे में। सरप्राइज पार्टी? हाँ वो राजू अंकल है ना, उसके कुत्ते के लिए वो सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। हाँ बलविंदर के लिए वो लोग सरप्राइज पार्टी रख रहे। बलविंदर उनका कुत्ता, उसके लिए सरप्राइज पार्टी? हाँ बेचारे ने कभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया है। बलविंदर का बर्थडे तो हो गया लास्ट मंथ। झूठ मत बोलो, मेरे को मालूम है आप लोग मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हो। पप्पा के पेट में तो कुछ बात रहती नहीं है। अच्छा तो आपका प्लान था कि मेरे को 2 घंटे के लिए बाहर लेके जाना, उस टाइम में डेकोरेशन करना, और इसलिए आप मेरे दोस्तों का भी नंबर मांग रहे थे ना? He is very smart. हमने तेरे पार्टी के लिए अलग से पैसे निकाल के रखे थे। हाँ बट मुझे इस बार पार्टी नहीं करनी। लास्ट ईयर भी कुछ नहीं किया था, इस बार तो कुछ कर। अच्छा ठीक है, पार्टी पे खर्चा करने से अच्छा कुछ गिफ्ट लेके आओ मेरे लिए, अच्छा वाला। गिफ्ट क्या दे सकते हैं, सब तो है तेरे पास। अभी ये भी मैं ही बताऊ, थोड़ा आप लोग भी सोचो। अच्छा देखो पेंटिंग का शौक है ना, तेरे लिए हम पेंटिंग लेके आते। पेंटिंग वेंटिंग मत लाओ, वो बहुत महंगे होते हैं, खुद सिंपल लाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा बर्थडे रोज रोज नहीं आता है। प्लीज मेरे लिए कोई बहुत महंगा गिफ्ट मत लेके आना, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा वो ही काफी है। He is very mature. हम अपने बच्चे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मीना लासा लाते तेरे लिए। मीना लासा नहीं, मीना लिसा है वो। मोना लिसा, आप लोग को पेंटिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आप रहने दो। हम लोग पूरा रिसर्च करके लाएंगे। हाँ हाँ हम लोग उतना एफर्ट डालने के लिए तैयार है। अच्छा ठीक है बट बहुत महंगा नहीं लाना। ठीक है डन। हैप्पी बर्थडे बेटा। कौन सी पेंटिंग लाए? खोल के देखना। अच्छी है ना, मजनू भाई ने बनाई है। बहुत रिसर्च करके लाया है हमने। इससे अच्छा तो सरप्राइज पार्टी ही देते।